यूपी का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना केस का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। कल यूपी में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। आगरा में सबसे ज्यादा 401 मामले हैं। दिल्ली से सटे नोएडा से अच्छी खबर यह है कि यहां 10 और हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में तब्दील हो गए। पिछले दिनों आपने आगरा की तस्वीर देखी थी कि किस तरह लोगों को अमानवीय तरीके से क्वारंटीन सेंटर में खाना परोसा जा रहा है। अब एक और तस्वीर सामने आई है। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोग इस बात के लिए धरने पर बैठे हैं कि 22 दिन होने के बाद भी बगैर किसी टेस्ट के उन्हें रखा गया है। आगरा में कोरोना संक्रमण के हालात चिंताजनक हैं। यहां कोरोना केस की संख्या 400 पार कर गई है। कल भी आगरा में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए। यूपी सरकार की तरफ से कल रात जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कल कोरोना के 66 मरीज सामने आए, जिससे यूपी में अब कोरोना के कुल केस 2053 हो गए हैं। हालांकि कल 63 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। कुल मिलाकर प्रदेश में 462 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यूपी में कोरोना से 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो यहां कोरोना काबू में आता नजर आ रहा है। कल नोएडा में 1 और गाजियाबाद में 2 नए केस सामने आए। यही नहीं, नोएडा में 10 हॉटस्पॉट कल ग्रीन जोन में शामिल हो गए। नोएडा से तंसीम हैदर के साथ मारभिषेक, लखनऊ आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, आपसे यही जानना चाहेंगे, इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर पूरी व्यवस्था क्या है और ताजा अपडेट क्या है? किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट क्या है और मौत का आंकड़ा क्या है? देखिए नेहा, राहत भरी बात ये कही जा सकती है कि पिछले कल जो आंकड़ा आया है वो 66 लोगों के पॉजिटिव होने का आया, लेकिन जो लोग रिकवर किए हैं उनकी भी संख्या देखिए, 64 लोग रिकवर होकर के वापस अपने घरों को भेजे गए हैं। पिछले एक हफ्ते में ये पहली बार है जब आंकड़ा 100 से नीचे है, यानी कि लगभग 100 का औसत हर दिन होता था, लेकिन कल 66 मामले आए हैं। आज सुबह से जो हमने अभी तक देखा है वो तकरीबन 20 मामले आए हैं, जो कि लखनऊ में 4, इसके अलावा आगरा और फिरोजाबाद में आंकड़े निकले हैं। कहीं ना कहीं एक ठहराव तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते, एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। सरकार ने भी कल अपने जो टीम 11 के लोग हैं, जो उनके नौकरशाह हैं, उनकी पीठ थपथपाई है कि काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ इलाके मसलन आगरा, कानपुर, लखनऊ, ऐसे जो जगह हैं वो अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि 400 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है आगरा में, लखनऊ और कानपुर में 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। अच्छी बात यह है कि 70,000 से ज्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं और ये टेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। एक बात साफ तौर पर साफ निकल करके आ रही है कि ये जो ग्रोथ है, अगर हम आज की बात करें, कल की बात करें, तो दो दिनों में बेहतर स्थिति, कम से कम थोड़ी ठहराव की स्थिति, जो ग्रोथ का रेट है वो कुछ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कब स्पाइक आ जाए, कब ये अचानक से बढ़ जाए, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सरकार ने 3 जोन जो बांटे हैं उसमें अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू करने जा रही है, ऐसा सरकार ने संकेत दिया है कि जो 3 तारीख के बाद जो ग्रीन जोन है सरकार के, उसमें एक्टिविटी अब शुरू की जा सकती है।